चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त 5 अहम अपडेट कमोडिटी मार्केट के कौन कौन से हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चे तेल में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कल से ओपेक और गैर ओपेक देशों की बैठक शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि ओपेक की इस बैठक में ज्यादा उत्पादन कटौती पर फैसला हो सकता है और उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $52 के ऊपर है। WTI क्रूड का भाव $47.5 के करीब ट्रेड कर रहा है और रोजाना 10 लाख बैरल से ज़्यादा की अतिरिक्त कटौती मुमकिन है इस बैठक में और उसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख रहे हैं। गोल्ड की बात करें तो ऊपरी स्तर से MCX पर सोने का भाव नीचे आया है और MCX पर भाव इस वक्त 43,400 के करीब है। चांदी का भाव 46,500 रुपये के करीब है, 200 रुपये की मजबूती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1,635 के करीब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी तेज़ी आज हालांकि दिखी थी, लेकिन जैसे इक्विटी मार्केट में रिकवरी आई उसके बाद गोल्ड के दाम ऊपरी स्तर से फिसल गए हैं। मेटल में लगातार तीसरे दिन तेज़ी है। MCX पर निकल का भाव 942 के ऊपर है, करीब 0.25% की तेज़ी है। कॉपर 430 के पार, जिंक एल्युमिनियम में आधा तेज़ी की मजबूती, सेंट्रल बैंकों की दरों में कटौती से कीमतों को सपोर्ट है। इसके अलावा अगर जीरे की बात करें तो जीरा वायदा और लुढ़का है और वायदा में भाव 13,400 रुपये के तक लुढ़क गया है। 1% से ज़्यादा की कमजोरी यहां पर दिख रही है। घटते एक्सपोर्ट और ज़्यादा उत्पादन से कीमतों पर दबाव है। जनवरी में चीन से जीरे का एक्सपोर्ट 50% कम हुआ है, कुल एक्सपोर्ट 25% से 30% तक कम हुआ है। कॉटन केक में शानदार तेज़ी बनी हुई है, वायदा में भाव 1700 रुपये के ऊपर निकल गया है। आज भी एक वक्त में भाव 3.5% तक बढ़ चुका था, अभी भी मार्केट 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये 5 महत्वपूर्ण कॉल हैं इस वक्त की, खबर है इस वक्त की जहाँ पर एक्शन हो रहा है। लेकिन अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की जहाँ पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड ऊपरी स्तर से नीचे आया है, अच्छी मोमेंटम मार्केट में दिखी थी लेकिन एक बार मार्केट फिर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। क्या अब बाइंग का लेवल आपको दिख रहा है या अभी कुछ और नीचे आना बाकी है? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, देखिए नीचे थोड़ा सा और आ सकता है क्योंकि जो डॉलर रुपी भी है, रुपया जो है थोड़ा सा गेन किया है डॉलर के अगेंस्ट, तो ये और इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लैटिश चल रहा है $1,640 के जरा नीचे। मुझे लगता है इंटरनेशनल दाम भी स्पॉट गोल्ड जो है वो 1630 के आसपास मिलेंगे और डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 43,200 से 250 की जोन मिल जाएगी, यानी पहले नीचे दिखता है लेकिन वहां से फिर जो तेजी है वो पकड़ सकता है और ऊपर में एक नया ऑल टाइम हाई अराउंड 43,800-850 जोन में हमें देखने मिल सकता है। तो डिप पे बाइंग की अभी भी सलाह दूंगा मैं। अच्छा, तो आपकी राय है कि 43,250 तक अगर भाव आ जाता है, यानी यहाँ से करीब 100-125 रुपये नीचे आ जाता है तो आप बाइंग करिए। टारगेट होगा 43,850 का, 43,050 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं, 43,250 के स्तर पर आप बाइंग कर सकते हैं। चांदी पर क्या व्यू है आपका, चांदी में क्या किया जाए? देखिए चांदी रिलेटिवली थोड़ी स्टेबल लग रही है सुबह से क्योंकि कहीं ना कहीं बेस मेटल्स भी काफ़ी स्टेबल हैं और गोल्ड तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे रैली दिया था। फिर भी चांदी में भी एक डिप एक्सपेक्टेड है कि इनिशियली हो सकता है कि 40,500 से 400 की जोन देखने मिलेगी, वहां पर खरीदारी की सलाह होगी और हो सकता है कि एक से दो सेशन में हमें 47,100 ये एक लेवल देखने मिल जाए, तो बाइंग की सलाह होगी बट इसमें भी हल्के से डिप पे वेट किया जा सकता है एंट्री करने के लिए। ओके, जिंक में क्या किया जाए, जिंक में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? जी देखिए जिंक में जो इसकी डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि फैक्ट्री एक्टिविटी ऑलमोस्ट अप है चाइना के मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में, तो जिंक का हमने देखा है कि 170 तोड़ने के बाद कंटिन्यूस सेलिंग है। मुझे लगता है कि अभी भी जब तक 158-160 के लेवल नहीं निकल पाते तब तक बिकवाली हावी रहेगी। इंट्राडे में हो सकता है कि 60-70 पैसे का उछाल देखने मिले, वहां पर बिकवाली की जा सकती है। डाउनसाइड में 150-150-153 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, कल से ओपेक की मीटिंग शुरू हो रही है, क्या उससे पहले क्रूड में, हालांकि इस खबर से कि ओपेक ज्यादा उत्पादन कट करेगा क्रूड में काफी तेजी आ चुकी है, तो क्या इस खबर का अभी और इम्पैक्ट बाकी है, और तेजी आनी बाकी है या तेजी पूरी हो गई है, क्रूड में क्या किया जाए? जी देखिए
कल ही एक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ऐसा जो डिसीजन आ सकता है कि जहां पर 1 मिलियन बैरल का कटौती हो और पूरे साल तक उनका जो कट है वो एक्सटेंड किया जाए। खैर हमने रात को उसके बाद क्रूड गिरते हुए भी देखा था, बट वहां से एक रिकवरी अच्छी देखने मिली है। तो मुझे लगता है कल के लोज ब्रॉडली जब तक होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, नीचे में बाइंग की यू नो पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में पॉसिबल है कि 3580 से 590 के न्यू हाई रीसेंट हाई यानी देखने मिल सकेंगे। तो ये तब तक रहेगा जब तक ओपेक की बैठक जो उसका एक्चुअल डिसीजन है वो आ नहीं जाता। ठीक है, नेचुरल गैस पर आपका क्या आउटलुक है, यहाँ पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? ठीक है, सिमिलरली एनर्जी कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें पिछले डेढ़ या दो महीनों से लगभग इन सिंक चल रहा है, यानी दोनों का जो मूवमेंट है साथ साथ हो रही है क्रूड और नेचुरल गैस की। तो जिस तरह से हमने क्रूड में निचले स्तरों से उछाल देखा है उसी तरह से नेचुरल गैस भी 118 से लगभग 133 हो गया है। मुझे लगता है कि यहां से भी एक और रैली आ सकती है जो प्राइसेस को 136 से 137 तक लेके जाए। तो प्योरली इंट्राडे के लिए बाइंग की सलाह होगी और डाउनसाइड में 130 के स्टॉप लॉस से ही सफिशिएंट है, बाय किया जा सकता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है बीके गुप्ता का, लखनऊ से है। पूछिए गुप्ता जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मैं क्रूड ऑयल में एंटर करना चाहता हूँ, कहाँ पे एंटर करूँ, किस लेवल पे और कहाँ पे निकलूँ? अच्छा, क्रूड ऑयल में आप ट्रेड करना चाहते हैं, 3535 का लेवल है, 2.25% की मजबूती है। अमित जी, क्या क्रूड में अभी ट्रेड करना ठीक है, करना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करें? जी देखिए, इंट्राडे प्रेसेस जैसे मैंने बताया कि लगभग 3600 तक जाने की उम्मीद दिख रही है, तो यह सेंटर कर सकते हैं। 3510 से 3500 का इमीडिएट एक सपोर्ट जोन है, थोड़ा सा नीचे मिल सकता है, प्राइसेस 20 रुपए नीचे मिल सकती है, वहां एंटर कर लीजिए और लगभग 3600 के टारगेट हो जाएंगे इंट्राडे के लिए। ठीक है, विवेक है जालना से, पूछिए विवेक। कॉटन ऑयल सीड को इस रेट पे शॉर्ट करना चाहिए या नहीं? कॉटन सीड ऑयल के को किस रेट पे शॉर्ट करना चाहिए? अच्छा, ये लंबे समय तक तो मार्केट शॉर्ट में ही था, इतनी गिरावट आ चुकी थी कॉटन केक में, अब पिछले 3 दिनों से तेजी है, अभी शॉर्ट करने का मौका मिलेगा क्या अमित जी कॉटन केक में? जी देखिए, ऑब्वियसली हमने देखा था कि लगभग 1500 से एक कंटिन्यूस तेजी आ रही है, तो मुझे लगता है कि 1770 से 1780 ये जोन में जाके एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट है प्राइस है वो थोड़ा सा पॉज लेगी और वहां से फिर एक बार नीचे की तरफ रुक कर सकती है टेम्पररी 1650 तक के लिए। तो 1780 के रीजन में मुझे लगता है कि एक बार शॉर्टिंग का चांस लिया जा सकता है। ठीक, वर्षा है गुजरात से, पूछिए वर्षा। हाँ सर, मैंने निकल का लॉट लिया है 1000 में, क्या करूँ सर? निकल का लॉट आपने 1000 रुपए में लिया है? अच्छा ठीक है, अभी मार्केट आ गया है नीचे 943.60 पर। अब बताइए अमित जी क्या उपाय है, 1000 के भाव पर इनकी बाइंग है निकेल में और दाम काफी नीचे आ चुके हैं, तो क्या किया जाए अभी? देखिए, जिस हिसाब से हमने देखा है कि वायरस के वजह से जो बेस मेटल्स की डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ है, उससे लगता नहीं है कि मुझे 1000 के दाम जो है एकदम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन हाँ 975 तक जो करंट रिकवरी है वो एक्सटेंड कर सकती है 30 रुपए और, तो तब तक रुक सकते हैं। ये प्राइस आने के लिए हो सकता है 3 से 4 सेशन और लग जाए, अब वहां पर एक बार छोटा लॉस बुक करके निकलना बेटर होगा, तो 975 पे एक बार एग्जिट होने की सलाह होगी। ठीक है, राहुल है नागौर से, पूछिए राहुल। सर ये कपास कली में पूछना है कि अभी और बाजार ठंडेगा कि यहीं से रुक जाना चाहिए? अच्छा, अभी हमने कपास कली की इनफैक्ट बात की भी थी, एक बार फिर से बताएं क्या होगा कपास कली में आगे? जी देखिए, काफी अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है, मुझे लगता है कि 40 से 50 रुपए और होगा, यानी क्लोजली मोटा मोटी पकड़े तो 1800 के रीजन में जा सकता है, बट उसके बाद रुकना चाहिए, मुझे लगता है कि वहां से एक बार फिर से 1650 ये दाम देखने मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा